हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। हम लोग रिक्वेस्ट फॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फाइल ऐड करना है। तो जैसे मुझे मैसेज के जस्ट ऊपर एक फाइल के लिए, तो मैं एक लेबल बना लेता हूँ, लेबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी वी, लिख देता हूँ सी वी, और यहाँ पे लेबल को हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल टाइप की फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप फाइल का नाम दो, जो कि इस नेम तो सी वी मैं ले लेता हूँ। इसकी लिमिट दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट बाइट में होता है, तो अगर केबी में डालना है, एमबी में डालना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 1 MB कर सकते हो। और फाइल किस तरह के ऑप्शन दिया, आप सिर्फ पीडीएफ एक्सेप्ट करना है तो पीडीएफ लिख दो, पीडीएफ। अगर इसी तरह से अगर आप इसके अलावा डॉक फाइल अपलोड करना है तो इस तरह से डॉक, और यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट या क्लास ले सकते हो, इसको रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड, मैं इसे इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारा ये हो चुका है इंसर्ट। आप इसको ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप इसको सेम चीज़ें आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे आप देख सकते हो, लिमिट के बी में, एमबी में, इस तरह से भी दे सकते हो, पीडीएफ टेक्स्ट, इस तरह से फाइल टाइप, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें। अब मैं इसे सेव कर चुका हूँ अभी से एक बार, और फाइल को अगर आप मेल में सेंड कराना है तो आपको एक फाइल नाम का यहाँ पे फाइल अटैचमेंट का एक फील्ड मिलेगा, आपको यहाँ पे डालना है। तो ये हमारा सीवी नाम से है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसमें हम यहाँ पे हम लोग अब एक इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि फाइल ब्राउज करने का भी ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। फोन नंबर 1 2 3 4 कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ कोई फाइल। तो ये फाइल जो हमारा है सैम्पल फाइल, इसको हम लोग सेव करके सेंड कर देते हैं और हम अपने मेल में चलते हैं चेक करने। तो यहाँ पे नया मेल आ चुका है, ये अटैचमेंट के साथ आप देख सकते हो, ये सैम्पल फाइल आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा हम कोई टेक्स्ट फाइल सेंड करा कर चेक कर लेते हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे टेक्स्ट विंडो जा करके एक टेक्स्ट फाइल कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल, और इसको हम सेव सेव कर लेते हैं डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड यहाँ पे नाम देता हूँ, टेस्ट डॉट टेक्स्ट। अब इसको हम लोग एक बार अपलोड करके चेक कर लेते हैं, टेस्ट टेस्ट यहाँ पे टेस्ट टेस्ट यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी टेस्ट एट द रेट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फोन नंबर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई यहाँ से ऑल कर देता हूँ, टेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ।
ये टाइम लगा रहा है। देख सकते हो यू आर नॉट अलाउड टू अपलोड दिस फाइल, तो हम यहाँ पे अलाउ भी कर सकते हैं, तो अलाउ हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से सिंपल आपको और भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, सिर्फ आपको ये इस तरह से लगाना है और यहाँ पे टी एक्स टी लिख देना है। अब ये टेक्स्ट फाइल को भी अपलोड कर सकता है, तो एक बार मैं आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस तरह से। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये टेक्स्ट फाइल भी एक्सेप्ट कर लेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जिस टाइप का फाइल फॉर्मेट आपको डालना है, अब ये देख सकते इस तरह से टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे। अब मैं मेल में जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल भी आ चुका है। तो आप इस तरह से अपने फाइल का परमिशन दे सकते हो, कौन कौन सी फाइल आपको अपलोड करनी है, और लिमिट भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट 10 KB कर देता हूँ, 10 बाइट सॉरी। यहाँ पे लिमिट होती है, तो अब मैं सेव करूँगा तो इससे ज़्यादा के होंगे फाइल की साइज तो अपलोड नहीं होगा। फिर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ही अपलोड करता हूँ और सबमिट करता हूँ। देख सकते हो ये अपलोड फाइल टू लार्ज इस तरह से। तो आप अगर अपने फाइल को अपलोड करना चाहते हो तो इस तरह से आप अपने फाइल को अपलोड करा के मेल पे सेंड करवा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।